अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ ज़फ़रान। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन वाइट हंडी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो रहें आप हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने शामिल किया है जी कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून या 1 चौथाई कप, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, और उसके बाद हमने शामिल कर दिया चिकन जो कि है 1/2 किलो, उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं साबुत 4 हरी मिर्च और 2 साबुत टमाटर हमने शामिल कर दिए हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको लगा देते हैं दम के ऊपर। वेलकम बैक दोस्तों, तो थोड़ा सा हम इसको करेंगे फ्राई। जब दम लगाए तो आपने बहुत एक आँच के नहीं लगाना, बल्कि धीमी आँच पर रखना है। ये बिल्कुल आपको ट्रेडिशनल चिकन वारी या नमकीन टाइप की कढ़ाई है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो 10 मिनट के लिए दोस्तों हमने फिर इसको दम पे रखा था कि हमारा जो चिकन है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए या पक जाए। टमाटर का हम छिलका बिल्कुल उतार देंगे, तो आपने जैसे ट्रेडिशनल से हम बना रहे वैसे ही बनाना है, तो आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट मिलेगा। एक 1 छोटी चम्मच हमने इसमें नींबू की शामिल की, और साथ हमने शामिल किया जीरा। बस यही था हमारा कुल मसाला। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, आप या आपने भी आप बनाई तो आपने भी इसको भूनना है। तो हमने इसमें छोटे शामिल कर दिए आलू बुखारे, अगर आपके पास हैं तो आप शामिल कर दिए, अगर नहीं है तो कोई ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। और उसके बाद जो वाइट हंडी का या वाइट कढ़ाई का जो सीक्रेट चीज़ है वो भी हम आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इसमें हमने 2 टेबल स्पून मलाई को शामिल की है। अगर वो मलाई नहीं है आपके पास यानी क्रीम, तो आप उसको दूध से, जो आम दूध से मलाई होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। और ये थी हमारी सिंपल सी रेसिपी, अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करना। बहुत ही प्यारा टेस्ट और बिल्कुल फाइनल की तरफ हमारी रेसिपी आ गई है। तो जब भी आपने चिकन कढ़ाई को बनाना, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा फुल फ्लेम पे नहीं बनाना, बल्कि दरमियाने पे फ्लेम पे रखेंगे, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी और बहुत ही प्यारी सी लुक आई है। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।